टेंसर एंड आइंस्टाइन समेशन। तो सबसे पहले टेंसर के बारे में देखते हैं। टेंसर मीन्स के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने उसके बारे में पढ़ा है। उसको हम स्पेस में ले जाएंगे, उसमें यहाँ पे वो रोटेट होगा तो उसे टेंसर बोला जाता है बेसिकली। तो देखते हैं कि स्केलर मीन्स के वन मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स स्केलर मीन्स वन ऑफ नंबर, वेक्टर मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैट्रिक्स मीन्स वन टाइप ऑफ बॉक्स जिसमें हम कुछ नंबर लिखते हैं। टेंसर मीन्स के एन डायमेंशन, ठीक है, वो एन डायमेंशन में होता है। टेंसर में क्या होता है, लीनियर फंक्शंस होते हैं, लाइक दैट एक्स वन प्लस बी वाई वन, ओके, लीनियर फंक्शंस होते हैं जो मैट्रिक्स एक बॉक्स सिस्टम है। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, उसमें कुछ शेप्स हैं, उसे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखना है तो कैसे रखेंगे। तो देखते हैं कि जो ये वाला है उसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है, शिपयार्ड है, शिप है, ठीक है। देखते हैं एक्स एंड वाई एंड शिप लाइक दैट हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि एक होता है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना है थियोरेटिकल। टेंसर जनरलाइज इन वेक्टर इन 3D, ओके, 3D में वो होता है और उसे रोटेशनल वेक्टर अंडर रोटेशनल वेक्टर होता है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम रोटेशन कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेंसर। वो भी स्पेस में, टेंसर यूजुअली स्पेस में ही यूज़ होता है, ओके। और जब हम उसे रोटेट करते फिर हमें जो आंसर मिलता है वो सेम वेक्टर होता है, जो पहले होता है वेक्टर हमने क्वेश्चन में होता है वही आंसर हमें सेम वेक्टर ही मिलता है, वेक्टर बदलता नहीं है। टेंसर आर देन इंटेंस दैट आर ऑल्सो जियोमेट्रिकली कोवेरियंट हैविंग देयर कंपोनेंट्स चेंज वेरी स्पेशल अंडर चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, बाकी वेक्टर फॉर्म वही होता है। द प्रॉब्लम विद दिस डेफिनेशन इज दैट मच एज अ टेंसर कैन हैव देयर कंपोनेंट्स रिटन एज अ एलिमेंट ऑन अ मैट्रिक्स, दे हैव अ जियोमेट्रिकल इंटेंस। ऑफकोर्स यूजिंग मैट्रिक्स टू स्पीड अप कैलकुलेशन इज यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट, बट इन नेचर टेंसर आर मच क्लोजर टू यूक्लिडियन वेक्टर देन मैट्रिक्स। हम क्या कहते हैं, टेंसर को उसको जो होता है मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लाइक हमने पहले कहा कि जो स्ट्रक्चर है उसे रोटेशन कराते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम, तो उसे क्या बनता है, ये टेंसर फील्ड बनता है, ठीक है। इट्स डजंट मेक एनीथिंग सो हार्ड ऑब्वियसली सिंस मैनी पीपल आर हैप्पीली चूजिंग टू यूज इट, इट्स सेव एन अमाउंट ऑफ क्लटर एंड हेल्प्स यू फोकस ऑन वॉट रियली मैटर्स इन एक्सप्रेशन, ठीक है। यू आर नॉट यूज टू इट येट, दैट्स ओके। लाइक मैनी नोटेशनल कन्वेंशंस इट टेक्स सम गेटिंग यूज टू वर्क ऑन इट सॉल्व एक्सरसाइज, इट विल बिकम अ सेकेंड नेचर, ठीक है। कि जो मैट्रिक सिस्टम टेंसर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टेंसर यूज़ करें, मैट्रिक सिस्टम यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टेंसर हमें इजी होता है सॉल्यूशन के लिए, इसलिए यूज़ करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही यूज़ करें। और ये स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड टेंसर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ प्लान। टेंसर होगा मीन्स कि उसमें एक प्लान होगा, ओके, ये इजीली दिस डिफरेंस सी द। टेंसर आर सिंपली मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज जो हम आस पास देखते हैं नेचर में, जो फिजिकल जो चीज़ें दिखती है उसको हमें सिर्फ उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए टेंसर का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक स्केलर एंड वेक्टर। इनफैक्ट टेंसर आर मॉडली जनरलाइजिंग ऑफ स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर का जनरलाइज जो रूप है वही टेंसर है। स्केलर इज अ जीरो रैंक टेंसर
एंड वेक्टर इज़ अ फर्स्ट रैंक टेंसर, ठीक है। स्केलर ज़ीरो रैंक टेंसर, क्योंकि उसमें वन नंबर ही होता है, वो कुछ डायमेंशन उसका कुछ नहीं है, इसलिए ज़ीरो रैंक। वेक्टर में डायमेंशन होता है, इसलिए वो फर्स्ट रैंक टेंसर है। टेंसर क्वांटिटी विच हैज़ अ डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन इन स्पेस, ठीक है। टेंसर डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में वो मेजर होती है, कहीं पे एक्स कंपोनेंट, कहीं पे वाई, कहीं पे जेड। टेंसर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर व्हिच कंपोनेंट वेरी लाइक, टेंसर मीन्स के लिस्ट ऑफ उसमें कितने सारे नंबर है उसको हम बेसिकली स्पेस में उसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। लाइक और नीचे आप देख सकते हैं एग्जांपल। ओके, टेंसर है वो आइंस्टाइन ने समेशन नहीं शोध हुई थी उससे पहले यूज होता था, अब भी होता है। द आइंस्टाइन नोटेशन ऑल्सो नोन एज आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन इज सिंप्लीफाइड समेशन रिपीट इंडेक्स। दिस शॉर्ट इज इंडेड इन्वाइटेड बाय आइंस्टाइन इन 1960, ठीक है। आइंस्टाइन समेशन 1960 में हुआ था, अब उसका देखते हैं। आइंस्टाइन समेशन, हमने जो टेंसर देखा, वेक्टर देखा, उसे मैथमेटिकली फॉर्म में डिफाइन करने के लिए आइंस्टाइन समेशन यूज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंपली लिखा है, ये कोई वेक्टर है, टेंसर है, उसका लीनियर फॉर्म या कुछ लिखा है, उससे हमें आइंस्टाइन समेशन का में फॉर्म में कन्वर्ट करना, मीन्स कि यह आइंस्टाइन समेशन का क्या है कि सिंबल है, और यहाँ पे आई जिसे बोलते हैं इंडिसेस, और यहाँ पे भी आई। तो टेंसर होता है वो एन डायमेंशनल होता है, उसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। तो यहाँ आई पे जगह वन लिख देंगे हम, आई इज इक्वल टू वन, तो यहाँ सभी जगह क्या आ जाएगा, वन वन, ठीक है। यहाँ पे टू लग देंगे तो यहाँ पे जितने आई होंगे यहाँ पे इंडिसेस में क्या आ जाएंगे, टू। इस फॉर्म में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आइंस्टाइन समेशन को फाइंड किया गया मैथमेटिकली। अब आगे देखते हैं, अब ये दिखाया गया कि टेंसर होता है रोटेशनल होता है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट इधर होता है, रोटेशन के बाद एक्स डेस यहाँ पे आ जाता है, इसलिए वो रोटेशनल फॉर्म में टेंसर होता है। फर्स्ट उसके कुछ है रूल्स आइंस्टाइन समेशन के लिखे गए, रिपीटेड इंडिसेस, ठीक है। जो इंडिसेस होती है ए आई बी आई वो रिपीटेड होती है। इट्स अंडरस्टूड दैट यू सम ऑल ओवर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई। ओके, कुछ में रिपीटेड इंडिसेस होती है और कुछ में क्या होती है कि सबस्क्रिप्ट एंड वन एज अ सुपरस्क्रिप्ट, मींस के कुछ में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, उसे में भी सम्स होता है, मींस के टू टाइप्स ऑफ के होते हैं। एक इंडिसेस होते हैं ए आई बी आई, ठीक है, इसे बोलते हैं रिपीटेड, यहाँ पे रिपीट होता है। दूसरी होती है इंडेक्स दैट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, मींस के यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और ये क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट। एआई नीचे ये क्या कहते हैं, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और ऊपर जो होता है घातांक उसे क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। लेट्स अज आइंस्टाइन समेशन कन्वर्शन एक्सप्रेस डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। इट्स स्टैंडर्ड नोटेशन ए डॉट बी एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड, ठीक है, उसे लिखा है यूजिंग द आइंस्टाइन समेशन। अब इस आइंस्टाइन समेशन में कैसे लिख सकते हैं, जहाँ पर भी एक्स है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई, मीन्स के इंडिसेस लिख देंगे। जहाँ पे भी बी है दोनों को नीचे और बी एक्स है उसमें क्या लिखेंगे, बी और इंडिसेस का ऊपर की ओर, मीन्स के सुपरस्क्रिप्ट, और यह क्या है सबस्क्रिप्ट। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मीन्स आइंस्टाइन समेशन मैथमेटिकली फॉर्म को ईजिली लिखने के लिए लिखा गया है। हियर द इंडिसेस आई इज अ रिपीटेड, ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है। सो वी अंडरस्टैंड दैट वी आर समिंग ऑल ओवर थ्री कंपोनेंट, रिपीट हो रही है, मीन्स के इसमें जो भी कंपोनेंट्स है एक्स बी उसके क्या करेंगे, हम सम करेंगे। ओके, द वेक्टर ए एंड बी द नोटेशन मेक्स इट्स क्लियर दैट वी आर परफॉर्मिंग अ समेशन विदाउट एक्सप्लिसिटली वेयरिंग आउट ईच फ्रेम ऑफ द सम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।